हेलो क्या मेरी बात विनय ठाकुर जी से हो रही है? जी हाँ, मैं विनय ठाकुर बोल रहा हूँ। जी, मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कल सुबह 11 बजे हमारे ऑफिस आ जाइए। ओके। ठीक है मैम, मैं कल 10:30 बजे तक पहुंच जाता हूँ। ये लो थोड़े से पैसे, दिहाड़ी मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाए थे, ये तुम्हारे काम आ जाएंगे। अच्छा भाभी, मैं अब चलता हूँ। अच्छा भैया, मैं आ सकता हूँ? यस वी आर। मैम, मेरा नाम विनय ठाकुर है। मेरी कल आपसे फोन पे बात हुई। सर, आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आए हैं? जी मैम, मैं लेकर आया हूँ। डॉक्यूमेंट्स तो आपके ठीक है सर, ₹500 आपके रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, वो दीजिए। फाइल लेकर अंदर सर के पास चले जाइए। विनय ठाकुर जी, आपका प्रोफाइल तो अच्छा तैयार हो गया है, अब आपको ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए जरूरी है और इस ट्रेनिंग के लिए आपको ₹2000 जमा कराने पड़ेंगे। ये ₹2000 जो ट्रेनिंग पे आपके खर्च होंगे और जो मैडम को आपने रजिस्ट्रेशन फीस के ₹500 जमा कराए, कुल मिला के ₹2500 जो आप यहाँ डिपॉजिट कराएंगे, वो आपकी पहली सैलरी में ऐड होके आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारी कमीशन है, आपकी पहली सैलरी में से 50% हमें मिलेगी, 50% जो सैलरी बचेगी और वो जो ₹2500 आपके हैं वो भी ऐड होके आपको मिल जाएगी। सो आप विनय जी ₹2000 जमा करें। ठीक है विनय जी, अब आप ये फाइल मैम को पकड़ा दीजिए और आपकी जो 100% इसी महीने के अंदर अंदर लग जाएगी, अब आप खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, ओह, भूल गया था मैं।
हेलो जी, मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात पंकज गुलाटी जी से हो रही है? हाँ जी, मैं पंकज गुलाटी ही बोल रहा हूँ। सर, आपने एटीएम मशीन लगवाने के लिए अप्लाई किया था, कल सुबह 11:30 बजे ऑफिस आ जाइए। हाँ जी, मैं 11:30 बजे तक आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मैडम, मे आई कम इन? यस, कम इन। मैडम, मेरा नाम पीके है। देखिए, यहाँ पे पीकर आना अलाउड नहीं है, और यहाँ पे पीने पिलाने की बातें मत कीजिए। वैसे भी आप पढ़े लिखे घर के लगते हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरा मतलब आप गलत समझ गई है। मेरा नाम है पंकज कुमार गुलाटी, और प्यार से लोग मुझे पीके कहते हैं। ठीक है, आराम से बैठो। वो सब ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो? हाँ मैडम जी, डॉक्यूमेंट तो मैं लेके आया हूँ। ठीक है, जाकर बैठ जाओ। रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 500 रुपए, डिपॉजिट करवा दो। बिल्कुल मैडम, करवाऊंगा, 500 रुपए जरूर करवाऊंगा। आप मैडम जी, ये दीजिए 500 रुपए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके सर के पास चले जाओ अंदर। अच्छा, मैडम जी आप सामने करेंगे? जी नहीं। मैडम जी, सीधा गुलाटी जी। हाँ जी। सर ऐसा है, आपकी एटीएम मशीन तो लग जाएगी। हमारे पास 4 बैंकों का यहाँ पे ऑफर है, तो एक बैंक की एटीएम मशीन लगा देंगे। लेकिन सर उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी जो है 10 लाख रुपए जमा करानी पड़ेगी अभी। 10 लाख बस? हाँ जी सर, 10 लाख रुपए जमा करानी पड़ेगी। बिल्कुल करवा देंगे। तो सर 10 लाख रुपए आप अभी जमा करा दीजिए, और ये फॉर्म जो है मैम को जमा करा दीजिए। ठीक है, करवा देंगे। वाह मैडम, 10 लाख रुपए आएंगे। मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात अमित अत्री जी से हो रही है? हेलो, हाँ जी जी, मैं अमित अत्री बोल रहा हूँ। कल आप 1 बजे आ जाइए हमारे ऑफिस। हाँ जी ठीक है मैम, कल मैं 1 बजे आ जाऊंगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर। अमित जी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए मुझे। जी।
अमित जी आपके डॉक्यूमेंट्स तो सारे ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 500 रुपए, वो डिपॉजिट करवा दीजिए। ओके मैम, ये लो। अमित जी ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप सर के पास अंदर चले जाइए। अमित जी आपका प्रोफाइल तो अच्छा बन गया है, आप ऐसा कीजिए 5000 रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करा दीजिए। ठीक है सर, तो आपका काम हो जाएगा और आपको जॉब 1 महीने के अंदर अंदर 100% लग जाएगी। ठीक है सर, तो ये मैम को फॉर्म जमा करा दीजिए और 5000 डिपॉजिट करा दीजिए। हेलो, हेलो, मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात सूर्यभान प्रताप सिंह जी से हो रही है? जी मैम, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। सर आपने सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, तो कल सुबह 12 बजे आप हमारे ऑफिस आ जाइए। अच्छा ठीक है मैम, मैं आपके ऑफिस में कल पहुँच जाऊँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो सर, मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात पुष्कर जी से हो रही है? जी मैं पुष्कर बोल रहा हूँ। सर आप 12 बजे हमारे ऑफिस आ जाइए। ओके सर, थैंक यू। मैं कमिंग। यस कमिंग। मैम मैं सूर्यभान प्रताप सिंह हूँ, तो कल आपने बोला था 12 बजे आने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप पुष्कर जी? ओके। हाँ जी सर, आपने सिक्योरिटी सर्विस के लिए अप्लाई किया था? हाँ यस मैम। आपका काम हो जाएगा सर, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 500 रुपए। क्यों नहीं, जरूर देंगे मैम। सर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? हाँ मैम साथ में लेके आऊँ। हाँ जी। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन्हें चेक कीजिए। हाँ जी। और ये मैम 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस आपकी। हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स तो आपके बिल्कुल ठीक है, तो सर आप अंदर चले जाइए। थैंक यू मैम। भानु प्रताप जी आपके डॉक्यूमेंट्स तो सभी ठीक हैं, आपने जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है आपका काम हो जाएगा, आप सिक्योरिटी मनी 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा, आप किसी तरह की चिंता ना करें, समझो आपका काम इसी महीने के अंदर अंदर हो गया। ठीक है सर, मैं 5 लाख रुपए जमा करा दूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं आज ही जमा करा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। आप पुष्कर? जी मैम पुष्कर। सर 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, आप प्लीज डिपॉजिट करवा दीजिए। ठीक है मैम, ये 500 रुपए लो। पुष्कर जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं? मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अंदर सर को डिपॉजिट करवा दो। जी, और चोरों मेरी बात सुनो, आज 4 महीने हो गए, 5 लाख रुपए तुम लोगों ने मेरे से झूठ मूठ में कह के ले लिए,
फिर तुम्हारे को सिक्योरिटी सर्विस दिला देंगे। 4 महीने हो गए उल्लू बना रखा तुम लोगों ने, कहाँ तुम्हारा सर्वा? सर आप बैठिए तो सही। क्या बैठिए? मैं अब बैठिए तो सर। और उससे मेरी बात रहो, चलो। हाँ जी अब बैठिए तो, मैं अभी लेके आई सर। लग लेगा सर। सर वो फौजी मिलने आया आपसे बाहर। माता जी मेरा मतलब मैडम जी वो फौजी तो मेरा गोली मार देगा, आप ही संभालो उस फौजी। सर आप अंदर जाइए। ठीक है भैया, तो मैं तो ऐसा कौन सा डाकू है वो। जो यहाँ सर बैठे थे मैम वो कहाँ पे है? सर प्लीज बैठिए, रिक्वेस्ट है बैठिए तो सही। मैं आपसे सीधा सीधा पूछ रहा हूँ ना, तो मुझे जवाब भी सीधा सीधा दीजिए आप। सर जो भी लेन देन है कर लेंगे। मैं कोई भी ऐसी आपका एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता मैम। मैंने 5 लाख रुपए आपके यहाँ जमा कराए थे, तो मेरे 5 लाख रुपए दीजिए आप। सर आप तो बिना बात से बात का पतंगड़ बना रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आप लोगों की बात। देखिए आप मेरा दिमाग मत खराब करो। 5 लाख रुपए अगर मैंने आपसे मांगे तो 5 लाख रुपए जमा कराओ मुझे अभी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। 5 लाख रुपए लेने हैं तो 5 लाख रुपए लेने हैं। सर जो भी लेन देन है कर लेंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अभी पुलिस को लेके आता हूँ। 5 लाख रुपए तो तुम्हारे हलक में से निकाल लूंगा मैं। वेट करना मेरी आप। यदि आप पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। ये लेगा 5 लाख हमसे। चाची ये मेरे पैसे खाए, इधर पैसे दिलाओ बस। हमने तो कोई पैसे खाए नहीं, कोई प्रूफ? हाँ भाई तेरे पास कोई रसीद वगैरह है? प्रूफ तो है नहीं। फिर तू क्यों इन जैसे शरीफ इंसानों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है? चल निकल जाओ फिर। देखो क्या जमाना आ गया है, लोग शरीफ लोगों पर भी इल्जाम लगाते फिरते हैं। और सर ये है ये चोरों का अड्डा, चोरों का क्या बल्कि डाकू का अड्डा है ये। मेरे 5 लाख रुपए दिलवाइए इनसे। मैडम आपके सर का उनको बुलाइए। सर मैं अभी लेके आई। इन्होंने कंप्लेंट की है कि आपने इनसे 5 लाख रुपए सिक्योरिटी के नाम पे लिए। कोई सबूत? हाँ जी तो भाई साहब आपके पास कोई रसीद वगैरह है? चुप तू, तो लगा अभी रसीद 5 लाख रुपए सीधा करके दिला दे मेरे को, समझ आई? चल मैडम आप इनके पैसे वापस की। देखो चोर कहेंगे। ये लीजिए आपके पैसे और भाई साहब हमारा भी ध्यान रखिए। और क्या पका रहा है? ये खून पसीने का पैसा है, हेरा फेरी का पैसा नहीं है, समझे? अरे बड़े रिश्वत खोर चाचा नहीं का। हेलो, अरे मैं मंत्री साहब का पीए बोल रहा हूँ। अबे तूने हमारे कार्यकर्ता के लड़के के साथ क्या फ्रॉड किया है? सर सर ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, मैं काम कर दूंगा सर। अरे मंत्री साहब तो बहुत नरम दिल है, तू संभल जा। मैं काम कर दूंगा सर,
वो सर मैं तो उसके पैसे भी वापस कर दूंगा सर। और 15 दिन के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए। ओके सर, 15 दिन से पहले पहले उसकी जॉब लग जाएगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है सर। ओके सर। हेलो हेलो, अरे मैं बोल रहा हूँ कल्लू दादा। अरे तूने मेरे बंदे के साथ क्या फ्रॉड किया है? सर हाँ जी सर, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा सर और काम भी लगवा दूंगा सर। तू जानता है मेरा नाम क्या है? कल्लू दादा। तुझे बोला ना, या तो मेरे बंदे का काम कर दे या पैसे वापस कर दे। अगर जान प्यारी है तो समझ जा, कल्लू दादा बंदा बेईमानी का करता है, लेकिन असूल सच्चा रखता है। सर आप टेंशन ना लीजिए सर। हाँ जी सर, मैं कर दूंगा। प्लीज सर मुझे एक मौका दीजिए आप। अबे चुप क्यों हो गया साले? सर पेशाब निकल गया था सर। साले तू भी नामर्द निकला। अरे थोड़ी सी बात पे तेरा पेशाब निकल गया। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो सर, मेरे 40 बंदे एडजस्ट करा दीजिए। कमीनों ने फोन कर करके मुझे तंग कर रखा है, जब देखो कॉल करके टेंशन देते रहते हैं। यार कभी मना किया है आपको? यार पिछले महीने तो अपनी फैक्ट्री से 50 वर्कर निकालकर तुम्हारे 50 कस्टमर एडजस्ट किए कि नहीं किए बताओ? लेकिन यार तुम कमीशन में यार तुम कुछ कंजूसी कर जाते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सर आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे, मैं कोई आपसे बाहर थोड़े ही हूं, जो भी होगा कर लेंगे। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये बताओ कि कितने आदमी एडजस्ट करने हैं आपके? सर 40 लोग एडजस्ट करने हैं। यार कल चेयरमैन साहब पूछ रहे थे तू बड़ी जल्दी जल्दी वर्कर निकाल देता है और बड़ी जल्दी एडजस्ट भी कर लेता है। मैंने कहा सर मुझे फैक्ट्री की ग्रोथ पहले जरूरी है, और कामचोर वर्कर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बाकी तुम भी खुश, मैं भी खुश, और चेयरमैन साहब भी खुश। अरे यार भाड़ में जाए जनता जब अपना काम बनता। थैंक यू सर। हेलो मैम, मैं जॉली जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज से वंदना बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात सपना जी से हो रही है? मैम मैं सपना बोल रही हूँ। मैम कल सुबह आप 11 बजे हमारे ऑफिस आ जाइए। जी मैम, मैं कल ऑफिस में पहुंच जाऊंगी। थैंक यू मैम।
मैम। थैंक यू मैम। डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? यस मैम, प्लीज दिखा दो। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये, आप डिपॉजिट करवा दीजिए। मैम वो तो मैं लेकिन ठीक है, तो फिर आप ये अपनी फाइल लेके सर के पास चले जाइए अंदर। ठीक है मैम, मैं बात कर लेती हूँ। सपना जी, आपने 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तो जमा नहीं करवाई। सर मेरे पास तो पैसे हैं। और ट्रेनिंग के ऊपर आपके लगेंगे 5000 रुपये, जिसमें आपके ड्रेस भी इंक्लूड है। तो 5000 रुपये ये और 500 रुपये ये, 5500 रुपये आपको डिपॉजिट्स कराने होंगे मैम। सर मेरे पास तो पैसे नहीं। अच्छा मैम, वो आपने किसी काम से जाना था, तो प्लीज़ आप अपना वो काम कर लीजिए। जाइए मैम। भाई ऐसा है, पैसे का क्या है, आने जाने चीज़ है। अगर बंदा बंदे के काम नहीं आया, बत्थू है इंसानियत पर, फिर कुछ कभी ना कुछ हम उधर आ जाते हैं भाई। कुछ ले दे के ही बात बन जाती है, दुनिया का उसूल है, इस हाथ ले और उस हाथ ले। तो सपना जी, ना तो 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपके पास, ना सिक्योरिटी मनी 2000 आपके पास, आपकी फाइल पास करने की जरूरत। तो सर कर दो ना। हाँ हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे पहले। तो कोई बात नहीं सर, इसमें भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो सपना जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कोई बात नहीं सर, जॉब के लिए तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि तुम अपनी फाइल साइन कराने के लिए तैयार बैठी हो। जी सर। ओहो, मैं फिर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सपना जी, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ। होए 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 होए, तो चले फिर। बिल्कुल, मैं तो फ्रेश हो गया भाई आज। मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई। होए होए होए, भाई फाइल बड़े अच्छे तरीके से साइन हुई है भाई। ओह, टूट गई हूँ। बहुत अच्छी तरीके से फाइल साइन हुई है, हमें बड़े दिनों के बाद ऐसी फाइल मिलती है भाई। साइन करने में मुझे मजा आया और साइन कराने में इसे, भाई समझो तेरा तो काम सपना हो गया। सर अब तो मेरा काम हो जाएगा। काम हो गया? ठाकुर साहब, ये है चोरों का अड्डा। लाख रुपए खाए थे इन्होंने। ये डाकुओं का अड्डा है। नहीं, गुंडों का अड्डा है ये जनाब। ये सब्र करो, नीचे बैठो। अपनी मर्जी से डिसीजन लिए जा रहे हो। मैडम कहाँ है आपका बॉस, जल्दी बुलाओ। मैं अभी बुला के लेके आती हूँ। जल्दी बुलाओ। सर आपको कोई मिलने आया है? आते हैं अभी। ठाकुर साहब, ये है चोरों का सरदार और ये सरदार नहीं, 10 लाख में खाए मेरे इन्होंने। अगर मैं सर है, प्लीज प्लीज बैठिए सर। सर प्लीज बैठ।
बैठिए सर, आप भी बैठिए। ठाकुर साहब, इन्होंने मेरे 10 लाख का कबाड़ा किया है। मैं चाहता तो पैसे इनकी चमड़ी खीर के निकाल लेता, लेकिन अब आप फैसला कराओ। ठाकुर साहब, इन्होंने मेरे 10 लाख का, ये चोरों का है सरदार, और ये नहीं सरदार नहीं, मैं तो इनके चिकने चेहरे पे फिसल गया और मेरे नोट भी फिसल गए। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठाकुर साहब फैसला करवा दीजिए। ओह सर, मेरे 25 रुपए खा गई है। यार मेरे 5000 रुपए खा लिए, बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे, कहां से लाऊं मैं? तेरे 5000 तो ठीक है, तेरे भी 25000 ठीक है, आप बताइए 10 लाख रुपए लेके कहां से आए? ठाकुर साहब, वो तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ ना, बाद में बताऊंगा। आपने जो 10 लाख रुपए इनको दिए थे, उसका कोई सबूत, कोई रसीद है आपके पास? ओ ठाकुर साहब, मैंने बताया तो है, मैं तो इनके चिकने चेहरे पे फिसल गया, इसलिए 10 लाख मैंने दिए, लेकिन नकद दे दिए इनको। चेहरे ने मेरा ऐसा जादू किया, मेरे हाथ से फिसल गए नोट, लेकिन नोट वापस लाइए ठाकुर साहब। इससे तो मेरे को यही लगता है कि उल्टा केस तेरे पे ही बनने वाला है, कि इतना ब्लैक मनी तूने कैश के तौर पे कैसे रखा और कैसे दिया? ठाकुर साहब, इसके बारे में तो हम बाहर चल के बात कर सकते हैं, लेकिन पहले निकलवा दो। अरे बच्चू, इन शरीफों पे तू झूठा रोक लगा रहे और खुद ब्लैक मनी अपने घर में रखता है, तेरे पे तो केस बनता है केस। ठाकुर साहब, हम बाहर निपट लेंगे ना, आप पैसे निकलवाइए। ठाकुर साहब, यही ले दे के निपटा दीजिए, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, इनसे काम चलाइए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ ठाकुर साहब। ओए, अगली बार ध्यान से, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, इन शरीफ लोगों पे दोबारा कोई गलत इल्जाम मत लगा दियो। चल भाग यहाँ से। सब मेरे 25 रुपए ले लिए जी इन्होंने, और नौकरी भी नहीं लगवाई। तेरे पास कोई रसीद है? हाँ सर, ये लो सर। इनके 500 रुपए वापस कर दो। हुजूर, अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। मिल गए तेरे को तेरे पैसे, चल निकल यहां से। आ जाते हैं उठ के पुलिस का समय बर्बाद करने। जनाब, मेरे 5000 रुपए दिला दीजिए। रसीद है तेरे पास कोई? रसीद? जनाब रसीद तो दे दी इन्होंने। आगे से किसी शरीफ बंदे पे द्वारा गलत इल्जाम मत लगा दियो, निकल यहां से। जी जनाब। जनाब, तो आपकी जो कमीशन है मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ भी, मेरी कमीशन? सर, कमीशन लगे हाथ। लिफाफा तो काफी हल्का है। ओ सर, 2000 के नोट आई इसमें है। हाँ, एक बात बताऊं? हाँ जी सर। आगे से काम ध्यान से करो, सबूत दे रखा था तुम लोगों ने। ओ सर, जाते देखा ना कितनी चलाकी से उनको भगा भी दिया और सबूत भी उनके के हाथों से ले लिए। सर, आपकी इसी बुद्धिमता का तो मैं कायल हूँ। सर एक बात, आज मैं सर बहुत खुश हुआ, आपने मेरी सारी मुसीबत उतार दी। सर और इस पप्पी का जुर्माना आप कौन देगा? सर, शाम को होटल में बैठेंगे, वही कर लेंगे पूरा। चलो ठीक है। नमस्कार जी। अरे सारे चोर है, हम तो है चोर।